नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और सावन की शुरुआत से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन के महीने में की जाती है। पूरे सावन में आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं और इस महीने सोमवार, 5 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में। बहुत से लोग जो 16 सोमवार व्रत रखते हैं, वो लोग भी सावन से ही व्रत का शुरुआत करते हैं, आगे 16 सोमवार कंटिन्यू रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सोमवार व्रत में कौन से पूजा का सामान रखने वाला है, अगर आप शिवलिंग की भी पूजा करते हैं तो विधिवत अभिषेक के लिए क्या क्या सामान रहेगा, वो सारी चीज़ें, सारा पूर्ण सामग्री संपूर्ण इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं क्या क्या सामान लगता है। सबसे पहले तो अगर देखिए, अगर आप अलग से चौकी स्थापित करना चाहते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता है चौकी स्थापित करना, पर अगर करना चाहते हैं तो कोई चौकी ले लें या फिर लकड़ी का पाटा ले सकते हैं आप, जिस पर आप महादेव को फ़ोटो विराजमान करेंगे। इस तरह से आपके पास कोई फ़ोटो है तो इस तरह से आप फ़ोटो ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की, उनके पूर्ण परिवार की हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूर्ण परिवार की पूजा का विधान होता है। तो वो फ़ोटो आपको ले लेनी है, या मूर्ति है तो मूर्ति ले लीजिएगा। साथ ही साथ प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान होते हैं, तो गणेश भगवान की कोई आपके पास छोटी मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं, या चांदी में है तो आप वो ले सकते हैं। सोमवार व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा तो बहुत ज़रूरी है, उसकी पुस्तक आपको रखनी है। अगर पुस्तक नहीं मिल पाती है तो आजकल तो इंटरनेट पे मिल जाता है आपको आसानी से, तो वहाँ से भी आप कथा आपको पढ़नी होती है। पर उसके बाद आप चुनरी ले लीजिएगा, जो कि आप फ़ोटो के ऊपर गौरी माता के लिए मुख्य रूप से लेते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए आपको पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, जैसा भी आपको मिल जाए, दोनों में से कोई भी कपड़ा आप चौकी पर बिछा सकते हैं। ये सामग्री आपको ले लेनी है। उसके बाद जो मुख्य दूसरी सामग्री हमको चाहिए होगी पूजा पाठ के में, हम क्या क्या सामग्री यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको दीपक रखने होंगे। दीपक देखिए, एक तो आप पहले ही जला करके रख देंगे तो उस हिसाब से एक दीपक रखना है, और एक दीपक आप बाद में आरती के लिए यूज़ करेंगे, तो ये दो मुख्य दीपक तो आपको चाहिए ही होंगे। जनेऊ ले लीजिएगा, क्योंकि गणेश भगवान को भी आपको चढ़ाना है, साथ ही साथ में भोलेनाथ को भी आप चढ़ाएंगे। कमलगट्टे अगर आपको पास है तो आप ले लीजिए, क्योंकि कमलगट्टे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर ही चढ़ाए जाते हैं भगवान भोलेनाथ को, तो वो आप ले लें। साथ ही साथ पीला चंदन आप ले लीजिएगा, और अक्षत आपको जरूर चाहिए होंगे भोलेनाथ की पूजा में, अक्षत तो और वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ गौरी माता को चढ़ाने के लिए सिंदूर भी आप ले लीजिएगा। ये मुख्य टीके हो गए। हल्दी आपको भूलकर भी नहीं लेनी है, क्योंकि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, तो वो आपको नहीं लेना है। पीला चंदन आप ले सकते हैं। साथ ही आरती करने के लिए कपूर से आरती ज़रूर करना चाहिए, अगर संभव हो सके तो भोलेनाथ की, तो आपको कपूर भी ले लेना है। और धूप, दीप, इत्र भी आप ले सकते हैं। धूप बत्ती ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, इत्र है तो इत्र भी ले सकते हैं। साथ ही साथ चढ़ाने के लिए काला तिल जो है वो आप ले सकते हैं। काले तिल से क्या होता है, आपके दुख कष्ट परेशानी दूर होते हैं चढ़ाने से, और साथ ही साथ ग्रह दोष जो होते हैं, जैसे शनि दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, ये सब ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। काले तिल जरूर ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। साथ ही साथ मौली, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, वो भी आपको रखना है, और पूजा के लिए घंटी आपको रखनी है। उसके बाद एक लोटा जल ले लीजिएगा, अगर आपके पास तांबे का लोटा हो तो तांबे के लोटे में ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को जल थोड़ा सा तांबे के लोटे में ज़्यादा प्रचलित है, चढ़ाया जाता है। बाती ले लेनी है आपको, कापूस जो रुई की आती है, और दीपक जलाने के लिए आपको घी लेकर के रखना है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का प्रिय होता है रुद्राक्ष, तो आपको रुद्राक्ष जरूर चढ़ाना है। रुद्राक्ष के अगर आपके पास माला है तो आप माला ले सकते हैं, नहीं तो जैसे एक मुखी अलग से रुद्राक्ष है, जैसे एक ही रुद्राक्ष है, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, जैसा भी है, पर रुद्राक्ष रहता है। रुद्राक्ष को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो रुद्राक्ष जरूर रखिएगा भोलेनाथ की पूजा में, अगर संभव हो सके आपके लिए तो कम से कम सोमवार के दिन की पूजा में ज़रूर रखिएगा। अब अगर आप शिवलिंग का अभिषेक भी कर रहे हैं चाहे तो आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। घर में शिवलिंग रखा है तो आप घर में पूजा रख सकते हैं, और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं, और पार्थिव शिवलिंग जिसे कहते हैं, आप उसका भी पूजन कर सकते हैं केवल सोमवार के दिन या पूरे सावन भर। तो शिवालय भी आप जा सकते हैं, वहाँ पूजा करिए। शिवालय दूर है तो घर
पर आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो, और है तो आप उसी शिवलिंग की पूजा करिएगा विधिवत। सारे दिन नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन तो ज़रूर करिएगा उनका अभिषेक करने के लिए। देखिए एक शिवलिंग रखना है आपको जैसा मैंने दिखाया, गंगा जल लेना है, एक लोटा जल भी आपको रखना है, घी दूध दही और शहद, ये पांचों चीज़ें आपको रख लेनी है जिनसे आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। साथ ही साथ उनकी प्रिय चीज़ें जो हम सबको पता है बेलपत्र उनको अति प्रिय होता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा 1, 3, 5, 7, 11 अपने अकॉर्डिंग संख्या में जितने आपको मिल जाते हैं बेलपत्र रखनी है। साथ ही साथ धतूरा उनका अति प्रिय है तो एक धतूरा भी ले लीजिएगा। अगर आपको भांग मिल जाते हैं, आंकड़े के फूल मिल जाते हैं, पत्ती मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी सामग्री उनकी प्रिय वस्तुएं आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए अभिषेक करने के लिए ले लिया। साथ ही आपको फूल चाहिए होंगे, भगवान भोलेनाथ को जो है वो सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं, तो आप सफ़ेद फूल जो भी किसी भी प्रकार के केतकी का फूल आपको नहीं लेना है भूल कर भी, उसके अलावा कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं, नहीं तो जो भी आसानी से मिल जाता है वो फूल आप ले लीजिएगा। कोई फाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं है, सफ़ेद फूल प्रिय है इसलिए बोला। फिर मौसमी फल जो आपको आसानी से भोग प्रसाद के लिए मिल जाता है, आजकल आम बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो केला आम बहुत आसानी से मिलने वाले फल है, मौसमी फल ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए भोग चढ़ाने के लिए। कोई मीठा आप मिठाई अलग से ले करके भी चढ़ा सकते हैं मिष्ठान, नहीं तो हलवा माता पार्वती को प्रिय होता है, भोलेनाथ को भी प्रिय होता है, तो हलवा भी आप बना करके चढ़ा सकते हैं, या मिश्री जो आती है रामदानी शक्कर जिसे कहते हैं आप वो भी चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। उनके प्रसाद में कोई बहुत ऐसा नहीं है, बहुत महंगा ऐसा शौक नहीं है। और उसके बाद सुहाग की सामग्री आपको लेनी है, वो आप कोई भी मुख्य 5 सामग्री ले लीजिएगा सुहाग की, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी, महावर, नेल पेंट और चूड़ी कंगन जो भी है ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको दक्षिणा भी रखनी है अपनी श्रद्धा अनुसार, जितना आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। ये सुहाग की सामग्री आप सारे सोमवार को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी एक सोमवार जो अंतिम होता है जनरली उस पर आपको दान देना होता है किसी को पारण करके, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आपको जो है दक्षिणा आपको बता ही दिया। तो दोस्तों आपने देखा शिवलिंग की पूजा कैसे करनी, क्या क्या सामान लगेगा अभिषेक करने में वो भी आपको दिखा दिया है, और साथ ही साथ नॉर्मल पूजा में भी क्या क्या सामान लगेगा छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बताई है, और क्या चीज़ आप लेकर ना बैठें पूजा में वो भी बताया। हल्दी नहीं चढ़ानी है, केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, सिंदूर भी भगवान भोलेनाथ को गलती से भी नहीं चढ़ाना है, सिंदूर आपको सिर्फ और सिर्फ गौरी माता को चढ़ाना है, गणेश भगवान को भी आप चढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको इन बातों का। सोमवार की पूजा आप इस प्रकार से कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, फलाहारी चाहे तो फलाहारी रख सकते हैं, या फिर एक टाइम का शाम को भोजन करके भी रख सकते हैं, पर ये पूजा सामग्री आपको चाहिए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गौरी माता और भोलेनाथ भगवान की कृपा आप पर आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।